आप सभी को दिल्ली वाली आंटी का नमस्कार। आज हम सांभर बनाने जा रहे हैं। देख चलिए हम दिखाते हैं सांभर में क्या क्या सामान यूज होता है। ये अरहर की दाल ली है मैंने एक कटोरी, ये एक तो एक कटोरी घिया लिया है, ये एक गाजर लिया मैंने, ये दो टमाटर लिए हैं, ये बीन्स और एक बाउल सीताफल। आप इसमें बैंगन भी डाल सकते हैं, शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं और जो सब्जी आप बिना लेस की होती हैं कोई सी भी यूज कर सकते हैं इसमें। अब इसके अंदर हम ये अरहर की दाल डाल देते हैं और ये हम अब इसके अंदर हम धीरे धीरे करके सब सामान डाल देते हैं। ये हमने बीन्स डाल दिए। अब इसके अंदर हम सारा सामान डाल दिया है। 6 कटोरी हम इसके अंदर पानी ऐड करते हैं। इसके अंदर कोई ऑयल नहीं डालना है और नमक और हल्दी हम इसके अंदर हल्दी डाल रहे हैं। हम इसको मिला देते हैं और मिलाकर हम इसको बंद कर देते हैं। अब हम इसको बंद कर रहे हैं करीबन 15-20 मिनट के लिए। एक सीटी आने के बाद इसको आप बंद ही कर देना। अब हमारी सब्जियां और दाल उबल चुकी हैं। अब इसके अंदर मैं कुछ चीज ऐड कर रही हूँ। ये इतना गुड़ मुझे ऐड करना है, ये आधा चम्मच से कम थोड़ा नींबू का शहद है ये ऐड कर रही हूँ और मुझे 2 चम्मच सांभर मसाला ऐड कर रही हूँ। और अब इसको हम 10 मिनट के लिए और पकाते हैं, उबलने देते हैं, फिर हमारी सांभर तैयार हो जाएगी 10 मिनट के बाद। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना। अब लगभग हमारा सांभर तैयार है, पक चुका है। अब हम इसमें तड़का लगाते हैं। अब देखिए हमारा तड़का तैयार है। अब हम इसके अंदर सांभर में इसको ऐड करते हैं। अब हमारा सांभर तैयार है। आप इसे डोसे के साथ, चावल के साथ, इडली के साथ, किसी चीज के साथ भी खा सकते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना और मेरे चैनल को ज्वाइन करना। धन्यवाद।